मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और देखिए मेरे पास कौन है। तो ये चंचल जी हैं। चंचल मेरे पास ही लेटी है ये, और मैंने अभी पूजा की है। और पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ी सी देर लेट गई हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। एक तो रात को ना मैं बहुत लेट तक वीडियो एडिट करती रही, और बस बहुत लेट सोई, और फिर सुबह भी जल्दी उठ गई। ब्रेकफास्ट और लंच भी बनाना था मुझे, तो सुबह जल्दी उठ गई। और ऐसा मन किया ब्रेकफास्ट करने के बाद कि बस लेट जाऊं मैं थोड़ा सा, थोड़ी सी देर। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी देर लेट जाती हूँ और आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये यहीं पर बैठ गई मैडम जी। और अभी जो है वो काम, तो मतलब क्लीनिंग व्लीनिंग का तो सब अभी रह ही रहा है, वो मैं अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आज पता नहीं थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। कल बहुत सारे कपड़े वपड़े धुल गए थे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों से। तो चलिए पहले काम की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह मैंने थोड़े से बर्तन पहले क्लीन कर दिए थे, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने सुबह ही सब्जी रिता करके और उनको साफ़ कर दिया था, और जो बचे थे वो मैंने अब क्लीन कर दिए हैं।
मैं साबुन को भी, जिसमें साबुन रखती हूँ उसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। और ये जो कपड़ा है इसको भी मैं वॉश करती रहती हूँ, रोज़ एक बार इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि पूरी किचन इसी से क्लीन होती है। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना झाड़ू और पोछा कर लूँगी। पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी। मैं सुबह झाड़ू निकाल के
और फिर पूजा उजा करके ब्रेकफास्ट करके तभी क्लीनिंग करती हूँ घर की। और क्लीनिंग सब कर ली है मैंने। और अब मैं छील रही हूँ मटर, मटर छीलने जा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है मटर वाले, तो वही बना रही हूँ मैं चावल। और मांटू भी इतने स्कूल से आ जाएगी। पूरी क्लीनिंग व्लीनिंग सब खत्म करने के बाद बड़ा सुकून सा लग रहा है, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब हम डेली क्लीनिंग करते हैं और डस्टिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर को साफ करने में, और जब निमट जाता है तो बड़ा सुकून और बड़ी शांति सी मिलती है। मैंने कपड़े वॉश नहीं किए क्योंकि मैंने कल वॉश किए थे, तो आज नहीं किए हैं। कल मशीन लगाऊंगी मैं, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ, क्योंकि फिर भी इतने सारे थोड़े थोड़े कपड़े, दो जनों के कपड़े कितने होते हैं, दो तीन जनों के, तो मैं पर कल मशीन लगाऊंगी। एक दो बेडशीट हैं वो भी धुल जाएंगी। और बस अब मैं मटर छील लूंगी। और मुझे एक काम करना है अभी, एक काम करवाना है बेड में, ये वाला जो बेड है बाहर, ये वाला, इस पे मुझे लगवानी है बाहर की तरफ प्लाई दूसरे वाली, क्योंकि इसकी जो है ना वो बेकार हो गई है बिल्कुल। तो वही कारपेंटर से बात करने की सोच रहे हैं कि बात कर लें कितने में लगाएगा। तो इसके चारों तरफ मुझे दूसरी प्लाई लगवानी है, जैसे मेरे अंदर वाले बेड की है और ये बाहर वाले बेड की है, चॉकलेटी कलर वही लगवाऊंगी मैं, तो ये तीनों बेड सेम हो जाएंगे फिर। और अभी मैं मटर छीलूंगी और फिर बनाऊंगी चावल मटर वाले, क्योंकि आप ज़्यादा खाने का कुछ इच्छा नहीं हो रही है, रोटी वोटी बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि चावल ही बना लेती हूँ। और मांटू को भी बहुत पसंद है चावल, इसीलिए ये जो पीछे वाली वोल है बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, बट कुछ नहीं कर सकते, करने की सोच रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं मटर छील के रख देती हूँ, फिर मुझे बस चावल छोंकने रह जाएंगे, तो पहले मटर छील लेती हूँ मैं।
चावल बना लिए हैं मैंने और मैं लेकर के आ गई हूँ अपने। तो अभी बस मैं चावल ही खाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि मैं अपने रूम का मेकओवर करने का बोला था मैंने आपको कि मैं अपने रूम का मेकओवर करने जा रही हूँ, बट वो मैं नहीं कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे उन्होंने मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि तुम इस रूम का मेकओवर मत करो। उसका क्या रीज़न है क्या नहीं है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी कि मैं इस रूम का मेकओवर क्यों नहीं कर रही हूँ और क्यों वो मना कर रहे हैं कि रूम का मेकओवर मत करो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ कि मैं इस रूम का मेकओवर नहीं कर रही हूँ। वैसे मैंने रूम का मेकओवर करना स्टार्ट कर दिया था, आप जैसे देख सकते हैं मैंने बेड की लोकेशन भी चेंज कर दी है और ड्रेसिंग भी चेंज कर दिया है, वो वहाँ पर जहाँ पर बेड था पहले वहाँ ड्रेसिंग कर दिया और इधर को मूव कर दिया है इसका, और बेड ये इधर डाल दिया है मैंने, तो वही मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, तो वही है मैंने स्टार्ट भी कर दिया था रूम का मेकओवर करना। बट फिर इन्होंने बोला, जब मुझे सामान लाना था मैंने बोला कि चलो इस रूम के अकॉर्डिंग ही सामान ले आते हैं, जो जो मतलब कर्टेंस फ्लावर पॉट्स जो भी है लैम्प वैम्प जो भी था वो सब लाने का मेरा था। तो बोले कि नहीं तुम इस रूम का मेकओवर मत करो और मैं कुछ सोच रहा हूँ, हम कुछ और सोच रहे हैं करने का, तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी, जैसे ही होगा वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अब बिल्कुल यही थी, तो मतलब ये है कि क्यों मतलब फिर आप मुझसे क्वेश्चन करो कि दीदी आपने रूम का मेकओवर नहीं किया बोला था, तो वही है मैं इस रूम का मेकओवर नहीं कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से जो चेंजेस थे वो मैंने किए हैं जो कि बिल्कुल गलत थे, मतलब ड्रेसिंग का और बेड का डायरेक्शन बिल्कुल गलत था, तो वो मैंने चेंज कर दिया है। और मुझे ना एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी, एक मतलब लोअर और टी शर्ट पहनने में मतलब ये है कि हम कंफर्टेबल रहते हैं, आप समझ सकते हो। मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ, उठती हूँ, नहा के लोअर और टी शर्ट इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि काम करने में आसानी होती है, ऐसे कपड़े पहन के काम नहीं होता है। पूरा दिन नहीं है कि हम लोअर टी शर्ट ही पहन के रखते हैं, और कपड़े जो होने चाहिए वो कंफर्टेबल होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अच्छे तरीके से कहो तो समझ में भी आता है, बट एक तरीका होता है हर चीज़ को बोलने का, बट वो नहीं है। तो थोड़ा सा बुरा लगा मुझे इस बात का, मुझे कमेंट आया था इस बात का कि जो भी है बहरहाल, बट आप लोग कमेंट कर देते हो, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है तो उसको छोड़ देती हूँ और बुरा लगता है तो उसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। बट आप लोग इतना मतलब जो भी है, वैसे मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, चंद ही दो चार लोग हैं जो कि ऐसे कमेंट करते हैं, बट मैं रीड करती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, बस मेरा कुछ नहीं जाता, ना मुझ पे कोई फ़र्क पड़ता है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, बट इससे आपकी मेंटेलिटी का पता चलता है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। और लोअर टी शर्ट इतनी वो नहीं है, कम्फर्टेबल है इसलिए पहनते हैं, और बस वही है कि थोड़ा सा शब्दों पे अपने कंट्रोल रखा करें। और एक और बहुत दो तीन दिन हो गए मुझे बहुत गंदा कमेंट किया था किसी ने, मैंने पढ़ा और डिलीट कर दिया, बट सोच के बड़ा अफसोस होता है कि लोगों की सोच कैसी है, कैसे सोच लेते हो आप इतना गंदा, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हो। अरे आपके घर में भी मम्मी पापा मम्मी बहन भाभी सब होते हैं, आप सोच के देखो कि आप इतनी गंदी गाली और इतने गंदे वर्ड्स कैसे निकाल सकते हो किसी के लिए अपने मुंह से। तो मेरा कुछ नहीं जाता, मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है उसको पब्लिश कर देती हूँ, और अच्छा नहीं लगता है तो उसको डिलीट कर देती हूँ। तो बस यही सब है, आप सोचने से पहले बोलने से पहले सोच लिया करें, थोड़ा सा अपने शब्दों पर कंट्रोल कर लें कि आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा कितना गंदा लगता है ये सब कुछ, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, आपकी जुबान है आपकी सोच है, जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं जाता है इसमें डियर, आपको जैसे बोलना है जो बोलना है आप
पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अपना आपके अपनी बातें बोलने का हक है, पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करें। और कुछ नहीं, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरी लगन से अपना काम कर रही हूँ, जो मतलब जी जान लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, और ऐसे ही मैं आगे भी करती रहूँगी। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। वैसे ज़्यादातर मुझे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलते हो आप, पढ़कर इतना अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो एक दो कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर मेरी कही हुई बात आप लोगों की समझ में आ जाए, अगेन आप ऐसा ना करो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी के लिए भी बैड वर्ड्स निकालना, गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं होती है किसी भी इंसान के लिए। तो बस यही मैं थोड़ी सी बात तो शेयर करना चाहती थी, तो बोलना चाहती थी, मेरे मन में आई कि मैं बोल तो सकती ही हूँ ना, कि ऐसा ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स हो आप मेरे, मैं जो भी है, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे, बट मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से कि आप मेरे फ्रेंड्स हो, सब लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब फ्रेंड्स हैं। और बस, और जैसे आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं, मैं ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ, चंद तीन चार लोग ही हैं जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी मत सोच लेना कि मैं किसी को कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग पता ही है आप लोग कितने अच्छे कमेंट करते हो, तो मैं आप लोगों को तो नहीं बोल सकती ना ये सब बातें। तो वही सब है, और अभी मैं अपने चावल खाऊंगी जो कि मैंने आज बनाए हैं, मटर वाले। काम पूरा फिनिश है, सब कुछ हो गया है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन है आपको, जो भी बात करनी है आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर करें, और कमेंट भी करें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। तो चलिए फिर, इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और सबको खुश रखिए, बाय।